हिंद 24 टीवी। आज दिनांक 9/9/2021 दिन बुधवार को सिकरारा थाना क्षेत्र के सिकरारा बाजार के पास धरिकार बस्ती में रोली चौनपुरिया ने अपने 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर गरीब बच्चों के साथ केक काटकर किया सेलिब्रेशन। जब यहां पर उपस्थित रोली जौनपुरिया से बात हुई तो उन्होंने बताया कि आज हमारे 50,000 सब्सक्राइबर YouTube पर पूरे हो गए हैं, इसलिए मैं इसका सेलिब्रेशन गरीब बच्चों के साथ केक काटकर उन्हें खिलाकर मनाना चाहती हूं। इस संबंध में रोली जौनपुरिया सुमित ने बताया कि हम भी बहुत गरीब परिवार के हैं और आज मैं अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम पर पहुँची हूँ कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे एक नई पहचान मिली है और जल्द ही मेरे जितने भी सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, जो भी हमको इनकम होगा उससे मैं अपने खर्चे के लिए रख कर बाकी गरीबों के लिए कुछ न कुछ करती रहूंगी। तो यह बहुत ही बड़ी बात दर्शाता है उनकी दरिया दिली के रूप में। उनका कहना था कि लोगों के पास तो पैसे बहुत हैं आज के समय में, लेकिन गरीबों के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में मैं रोली जौनपुरिया आपके चैनल से ये वादा करती हूँ कि मैं गरीबों के लिए हमेशा कुछ न कुछ करती रहूँगी। यह बहुत बड़ी बात कही है कि गरीबों के लिए कुछ न कुछ करना चाहती हैं। सिकरारा से वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव सिंह की और रोली जौनपुरिया से खास बातचीत। नमस्कार, मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह इस समय सिकरारा में उपस्थित हूँ। आपसे बता दूं कि यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर रोली जौनपुरिया जी यहाँ उपस्थित है और आज यहाँ पर धरकार बस्ती में गरीब बच्चों में केक काट करके यहाँ पर अपने किसी का इजहार किया है। मैं पूछना चाहूँगा मैम से, ये पहली बात तो मैम, आपने अपना नाम रोली जौनपुरिया क्यों रखा? लोग रखते हैं जो रोली यादव, रोली सिंह, रोली ये फलाना ढिंगता, आपने रोली जौनपुरिया क्यों रखा? आने वाले टाइम में अगर मेरा नाम आगे जाता है और मैं जो काम कर रही हूँ इसमें मुझे सफलता मिलती है, तो इसमें मेरे साथ साथ अपने जौनपुर का भी नाम होगा, तो मैं यही सोच के अपना नाम रोली जौनपुरिया। तो आपने सुना, इन्होंने बताया कि मैं अपने ज़िले का, अपने क्षेत्र का नाम करने के लिए ये नाम रखूँ, पहली बात। दूसरी बात में कि एक आपकी अलग पहचान है यूट्यूब पे और आज आपका 50,000 जो फॉलोअर्स है वो हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और दूसरी बात मैम, आपने एक भाषा यूज़ किया है, अवधि भाषा, ये आपके दिमाग में कैसे आया कि हम इस भाषे से अगर हम यूट्यूब पे अपना जो भी खबर है, जो भी चीज़ है उसको डालेंगे तो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे? जैसे कि सब लोग बनाते हैं यूट्यूब पे वीडियोस, काफ़ी लोग हैं अपने अपने अलग लैंग्वेज में, हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश, जो भी हो गया, ऐसा नहीं है मुझे नहीं आता इंग्लिश बोलना या हिंदी नहीं आता है, बट मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ अलग करें। और जैसे अवधि में सडनली मैंने एक वीडियो बनाया था, वायरल हो गया था, तो लोगों ने मुझे बोला कि आप ऐसे ही वीडियो बनाइए, मुझे सुनना आपकी मुँह से ये भाषा अच्छी लगती है, तो मैंने इसको कंटिन्यू किया और आज मुझे इतना प्यार सपोर्ट मिलता है, लोग बहुत पसंद करते हैं ये भाषा को। और इससे क्या होगा कि अपने जौनपुर का भाषा बाहर भी जा रहा है, मेरे मतलब वीडियो सब अब्रॉड में भी दिख रहे हैं, जो बाहर रह रहे हैं इंडिया के, अपने इधर जौनपुर के लोग बाहर देख के इंजॉय करते हैं। तो आपने सुना कि अपने देश में नहीं, बाहर के देशों में भी इनके इस भाषा को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं जी। और तीसरा और आखिरी सवाल मैं, ये बहुत यूट्यूबर हैं और तमाम प्रकार के बातें करते हैं, लेकिन आपने जो आज ये गरीब बच्चों के बीच में केक काट करके अपने सेलिब्रेशन करने का जो ये नया तरीका अपनाया है, ये आपके दिमाग में कैसे है? ये मैं बहुत पहले से ही सोची थी, जब मैं यूट्यूबर नहीं थी तभी ही कि मैं कुछ करूँ, गरीबों का हेल्प करूँ, बट उस टाइम मतलब इतना मेरे पास था नहीं कुछ, मैं खुद अभी भी गई हूँ, ऐसा नहीं बहुत बड़ी हो गई हूँ मैं, और अभी मेरे यूट्यूब की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं आते, बट आने वाले टाइम में अगर मेरे यूट्यूब से पैसे आए तो मैं वो उसका आधा से ज़्यादा गरीबों में ही दान करूँगी और जो मेरी ज़रूरतें हैं बस उसको पूरे करने के लिए मैं रखूँगी, बाकी सब गरीबों में दान करूँगी। मैम एक आखिरी, जल्द से जल्द एक आखिरी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि उसी अवधि भाषा में ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमको तो आता नहीं। आप उस अवधि भाषा में जवाब दीजिएगा कि भविष्य में अगर अभी आज आपके 50,000 हुए हैं और कल 1,00,000 होंगे, 2,00,000 होंगे, 5,00,000 होंगे, तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या सोच के रखी है कि मैं करना चाहूँगी? जो भी ज़रूरतें हैं, जैसे मैं लोगों से मिलना चाहती हूँ, जब अपने समाज में कहीं औरतें हैं, मैम अवधि भाषा में, हाँ, जैसे अपने गांव में कुछ विधवा औरत हैं,
हस्बैंड ना ही हैं, गरीब लोग हैं, या फिर जिनका लड़का ना कुछ हैं, दादी वो दिखे मेहरारू पाए बंद बुलाए हैं, और या फिर जिनका परिवार बहुत गरीब बाटा है, घर दुआर ना है, और लॉकडाउन में बहुत जन की कमाई उमाई सब गई बाटा है, तो सबके हमारे थोड़ा कुछ ना कुछ तो मदद करें, ज़्यादा नहीं लेकिन अगर थोड़ा बहुत मदद करें बड़े वजह से हो जाए तो हमें बहुत अच्छा फील होगा। अपने क्षेत्र, अपने जिले, अपने जनपद, अपने प्रदेश के बारे में आजकल के जो नवयुवक गुमराह हो रहे हैं उनके बारे में दो शब्द। आपको उनके मतलब सबका अपना अपना सोच होता है, सब लोग ऐसा नहीं सोचते जिसकी जैसी सोच हो, बट मुझे लगता है कि जो अय्याशी करके पैसे उड़ा रहे हैं या फिर जहाँ पे दो का खर्चा है दस कर रहे हैं, लेकिन अगर वही बचा के गरीबों का मदद करे तो कितना अच्छा होगा, है ना। बस यही, बाकी जिसकी जो सोच है वो करे, मैं लेकिन जो सोचती हूँ आगे अभी बोल रही हूँ, अब मुझे दो चार साल बाद देखेंगे, बहुत मदद करूँगी सबका अपने जो आपने सुना कि रोली जौनपुरिया ने जो शब्द कहे हैं वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने ज़िले के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि एक गरीब परिवार की लड़की उठ कर के आई और YouTube पे एक छोटा सा चैनल बना करके आज अपने ज़िले ही नहीं, अभी जैसा कि आपने सुना कि पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी इनकी चर्चाएं हो रही हैं, जो कि बहुत ही गौरवपूर्ण बात है अपने क्षेत्र के लिए। मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह सिकरारा मणिया हूँ जौनपुर।